नमस्कार दोस्तों, आखिरकार पंजशीर का किला ढह चुका है। तालिबान वालों ने हजारों मासूम पे अत्याचार किया है, हजारों आदमी को मारा है, नॉर्दर्न अलायंस को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है। दुनिया आज शांत है, सब खुश है। जो यूनाइटेड नेशन कल तक सबको ज्ञान दे रहा था, खासतौर पे इजराइल को, भारत को हर मुद्दे पे ज्ञान देता है, जो अमेरिका यूरोप बार बोलता है कि भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया है, छोटे मोटे मुद्दे को बड़ा बना देता है, आखिरकार वो तमाम देश आज चुपचाप केवल देख रहा है। एक आवाज़ में निकल दोस्तों, बड़ी बात यह है, एक लफ्ज ने बोला है, तालिबान कोई कुछ बोला ही नहीं है, सब चुपचाप सो रहा है। जो अपने आप को महाशक्ति बोला था, सब आज दुबक के बैठा हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, इसी कड़ी में भारत और ईरान ने वो खतरनाक फैसला लिया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था, न किसी को विश्वास हो रहा है। दोस्तों, ईरान ने वो पहली पाकिस्तान को बोला है, पाकिस्तान संभल जाओ, ज़्यादा घमंड मत करो, हद से बाहर जाओगे तो तुम्हें आके ठोकेंगे, पाकिस्तानियों का औकात दिखा देंगे, पाकिस्तानियों का सर्वनाश कर देंगे, पाकिस्तानियों को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, ईरान ओपनली अब मोर्चा खोल चुका है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, ईरान एक सिया कंट्री है और अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, और इसीलिए ईरान अब मोर्चा खोल दिया है, बोल दिया है कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, नाइंसाफी हुआ है, बच्चे तक को मारा गया है, नरसंहार हो गया है, और दुनिया आज चुप है। हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम अपना सेना उतारने वाले। दोस्तों, ईरान के बयान से पूरे तालिबान पाकिस्तान में हरकंप मचा हुआ है और यहाँ पे भारत का शानदार एंट्री हो चुका है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार से ईरान और भारत अब तांडव मचाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। दोस्तों, धर्मेंद्र नादान सर्च करते ही मेरा चैनल टेलीग्राम पे आ जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब चल जाते हैं, आखिरकार हुआ क्या है, किस प्रकार से अब तहलका मचने वाला है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान ने जलते हुए आग पे अपना पैर रख दिया है और उसका जलना तय है, यही बात ईरान ने कहा है। एक बात मान लीजिए, चाहे ये यूनाइटेड नेशन हो या अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, सब अपने स्वार्थ के लिए जीता है। आज अगर भारत में एक छोटा सा हादसा हो जाए, अगर दो लोग आपस में लड़के मर जाए, तो ये बात यूनाइटेड नेशन पहुंचेगा, यूनाइटेड नेशन उस पर खूब ज्ञान झाड़ेगा। यहाँ तक कि अमेरिका बोलेगा, देखो भाई भारत में तो अब सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि यूरोप बोलेगा, देखो भाई भारत में तो अब हिंदूवादी अति हो गया है, लोग दूसरे को मार रहा है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, तालिबान ने क्या किया है दोस्तों, दुनिया आज चुप है, ये इतिहास लिखा जाएगा। ये तालिबान जो आज कर रहा है ना, इसका इफेक्ट आने वाले समय में पूरी दुनिया पर पड़ने वाला, ये श्योर है। आज से 20 साल बाद जब पूरी दुनिया में आतंकवादी का एक एक ब्रांच होगा और हर दिन हजारों आदमी का मौत होगा, तो उस समय दुनिया कोसेगा भारत को, अमेरिका को, यूरोप को, बोलेगा कि ये डेमोक्रेसी देश कहाँ गया था, ये तो उस समय चुप रह गया और अब क्या कर पाएगा। दोस्तों, ये इतिहास बनने वाला है। सिंपल सी बात कहे तो, तालिबान कोई एक छोटा संगठन नहीं है, तालिबानी सोच तो पूरी दुनिया में भरा हुआ है, भारत में भी तालिबानी सोच है, इसीलिए आप देखेंगे तो तालिबान का सब समर्थन करता है, चाहे जो भी हो सब मैदान में आके समर्थन कर रहा है। अब इसीलिए यहाँ पे ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। आप बोलेंगे ईरान ऐसा क्यों किया, ईरान के तो तालिबान पड़ोसी है और अब पाकिस्तान मित्र है, तो आखिरकार ईरान क्या बोला है और क्यों बोला है, आखिरकार ईरान को क्या मरना है क्या। दोस्तों, चलिए मैं अब समझा रहा हूँ। देखिए, आप जानते हैं ईरान के एक साथ पाकिस्तान है, दूसरी ओर अफगानिस्तान है, और बड़ी बात तो यह है, ईरान एक सिया बहुल देश है, कंट्री है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान एक सुन्नी देश यानी कि मुस्लिम कंट्री है। बड़ी बात यह है दोस्तों, सिया सुन्नी का झगड़ा दोस्तों बहुत ही खूनी झगड़ा होता है, कह सकते हैं कि जहाँ पे अगर इन दोनों को बैठा दो, दोनों एक दूसरे को सरकलम करने के लिए तैयार रहता है। इतना खतरनाक झगड़ा हमेशा से होते चला आया है, एक दूसरे को कभी देखना नहीं चाहता है, दोनों को लगता है कि ये तो हमारा दुश्मन है। बड़ी बात यह है, इसीलिए तालिबान को कभी भी ईरान मान्यता नहीं दिया है, ना तो आज दिया और नहीं आज से 20 साल पहले कभी भी तालिबान को ईरान ने मान्यता नहीं दिया, और यही कारण कि 1998 में तालिबान वालों ने ईरान का कम से कम 100 से अधिक डिप्लोमेट को, राजनेता है सबको मार दिया था। दोस्तों, यहाँ तक कि ईरान का जो एम्बेसी राजदूत है उसका भी दोस्तों सरकलम कर दिया था, यानी कि तालिबान वालों ने ईरान को ओपनली संदेश दिया था कि
हम सुन्नी हैं और शिया को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तभी से लेके इतना खतरनाक झगड़ा है। और उस समय यानी कि 1998 में ईरान तो यहाँ तक कह दिया था कि अब तो हम तालिबान का औकात दिखाएंगे, उससे हम हमला करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन उस समय भारत, अमेरिका, यहाँ तक रशिया सब ईरान को समझाया था। और आज भी दोस्तों जिस प्रकार हम लोग अपने देश में देशभक्ति पे फिल्म बनाते हैं, बॉर्डर मूवी बनाते हैं, पलटन मूवी बनता है, किस प्रकार से हम लोगों ने चीनियों को मारा था, पाकिस्तानी को मारा था, हम लोग इतिहास लिखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सेम टू सेम हाल आज भी ईरान में है। ईरान में आज कई सारे मूवी बन चुका है कि तालिबान कितना खतरनाक है, तालिबान मानवता का दुश्मन है, हमारा सैनिक किस प्रकार से धो देगा। दोस्तों ईरान में आज यूट्यूब से लेकर मूवी हर क्षेत्र में तालिबान को लेकर बहुत ही नेगेटिव वीडियो बना पड़ जा, यानी कि ये आज के बात नहीं है, 20 साल से बन रहा है, किताब लिखा जा चुका है। और इसीलिए तालिबान के इस क्रूरता से ईरान ने उसे धमकी दिया, उसका उकाब दिखाया है, जबकि पूरे दुनिया अभी तक चुप है, यहाँ तक कि भारत भी चुप है, अमेरिका भी, सब चुपचाप केवल देख रहा है। अब बोले आखिरकार पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस हार क्यों गया, उमरुल्ला सालेह हार क्यों गया? आखिरकार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा महाशक्ति बोला था, सबसे लड़ रहा था, उमरुल्ला सालेह अभी छिप चुका है, भाग चुका है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ? देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न अलायंस को हराना असंभव था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान सब मिलकर काम किया है। दरअसल चाइना ने नॉर्दर्न अलायंस यानी कि जो भी पंजशीर में लड़ाकू था सबका लोकेशन बताया, यानी कि चीन का सैटेलाइट ने सबका लोकेशन बताया, आखिरकार पहाड़ में कहाँ छिपा हुआ है नॉर्दर्न अलायंस। दोस्तों चीन का ये काम हुआ। दूसरा काम पाकिस्तान ने कर दिया, अपना एयरफोर्स भेज दिया, लड़ाकू विमान, अपना जो स्पेशल टॉप टॉप का जो उसका लड़ाकू है ना, जो सेना है, उसे उतार दिया। और एक तरफ जहां तालिबान ने अपना 25 से 40 हज़ार सैनिक उतार दिया, दोस्तों चौतरफा प्रहार किया गया। और बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं नॉर्दर्न अलायंस और उमरुल्ला सालेह के पास कितना सेना था, केवल 10 से 12 हज़ार सेना था। एक तरफ जहां हजारों सैनिक के पास दोस्तों एडवांस गन था, चाइना था, पाकिस्तान था, दूसरी ओर अकेला था, इसीलिए वो उसे हारना पड़ा। और रात रात वहाँ पर तांडव मचा है, हजार लोगों को हत्या कर दिया है, नरसंहार हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों भारत भी बहुत बड़ा गेम चलने वाला है। आप लोग जानते हैं भारत अभी तक चुप रहा है, लेकिन भारत अब तक वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनाया हुआ था, अब ईरान फ्रंट पर आ चुका है। ईरान ने एक मोर्चा खोला है, दुनिया को संदेश दिया कि बेशक यूनाइटेड नेशन चुप रहे, जो अपने आप को लोकतंत्र का बादशाह बोलता है, बेशक पूरी दुनिया चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, हम तो बोलेंगे। और दोस्तों ईरान ने ओपनली पाकिस्तान को एक धमकी और चेतावनी दिया, बोला कि मेरे प्यारे मित्र, तुम तो हमारा दोस्त हो, लेकिन तुम तो हमारा दुश्मन से ही बदतर हो, तुम जो गलती किया है ना, इतिहास देखो, अफगानिस्तान में जो भी गया है, जो भी अपना सेना उतारा है, उसका केवल अकाल मृत्यु हुआ, सर्वनाश हुआ है, और तुम्हारा अब समय आ चुका है, तुम भी अकाल मृत्यु मरोगे, तुम्हारा भी सर्वनाश आएगा। दोस्तों ईरान ने पहले कहा है कि ये पाकिस्तान किस खेत का मूली है, जहाँ पे ब्रिटेन हार चुका है, अमेरिका हार चुका है, यहाँ तक कि रशिया, सोवियत संघ हार चुका है, दुनिया में आज किसी में हिम्मत नहीं जो तालिबान से पंगा ले, अफगानिस्तान में कुछ करे। और पाकिस्तान खुद से जलते हुए पैर में दे रहा है, जिस तालिबान को असमर्थन कर रहा है, कल उसी अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कब्र खोदने वाला है। दोस्तों ईरान ने ओपनली धमकी दिया है, और यहाँ पे भारत को भी हिम्मत मिल चुका है। आप देखेंगे भविष्य में भारत भी दोस्तों ना तो तालिबान का समर्थन करेगा और ना ही साथ देगा। और